वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग को कहने पे सॉरी, मैं एक वीडियो अपना रोते हुए डाल दी थी तो उस पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी आप रोते हो तो मुझे भी रोना आता है, तो सॉरी, बहुत वेरी वेरी सॉरी। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे वजह से रो। मैं सबको खुश रखने का कोशिश करती हूँ। ये नहीं कि मैं खुश नहीं हूँ तो आप लोग भी खुश नहीं रहो, ऐसा नहीं है। तो मेरी सिस्टर का भी कॉल उस दिन रात में आया था, वो शायद वीडियो देखी थी, तो उसका भी कॉल आया था 12 बजे के समथिंग रात में। तो वो भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी कि दी ऐसा हालत नहीं देखा जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हूँ, बट कभी कभी होता है ना कि कंट्रोल से पार तो वही हो जाता है, तभी मैं ऐसा कर जाती हूँ। नहीं तो मेरा कोई शौक़ नहीं है आप लोग को रुलाने को, तो सॉरी, वेरी सॉरी। और तो मेरी ज़िंदगी ही ऐसी हो गई है कि कभी हंसूंगी कभी रोऊंगी, तो कभी कभी हो जाता है, तो उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे वजह से रोइए, और मेरा तो हंसना रोना लगा हुआ ही है। तो रोना तो हर पल आती है, हर बात याद जब मैं अपने हस्बैंड का करती हूँ तो रोना तो लगा हुआ ही रहता है। एक ऐसा ये रिश्ता होता है ना कि मतलब क्या बताऊँ, उसके बिना कैसे ज़िंदगी जिए, क्या करें, कुछ नहीं समझ में आता है। बस यही लगता है खास तुम लौट आओ और गले लगा कर कहो, खास तुम लौट आओ और गले लगा कर कहो कि खुश तो मैं भी नहीं हूँ तुम्हारे बिना। तो ये एक छोटा सा चुटकुला था, चुटकुला नहीं मतलब जो भी बोलो आप, शायरी या कुछ भी इसी टाइप का था। तो मैं आज स्टेटस में भी लगाई हूँ, और रियली मेरे माइंड ऐसे लगता है कि आप एक बार चले आओ, मैं आपसे गले लगा के बहुत सारे बातें करूँगी, बहुत मतलब रोऊँगी, हर बात आपसे कहूँगी, अपना दिल का जो इतने दिन से मैं अपने दिल में रख रखी हूँ, हर चीज़ आपसे बातें करूँगी। तो मुझे हमेशा ये चीज़ लगता है, बट ऐसा नहीं होता है। बस ये फील होता है कि वो घर में हैं। मुझे बहुत धाड़स मिलती है उनके वजह से, ऐसे लगता है कि वो घर में ही है। जैसे नाइट होती है ना, लाइट वगैरह बंद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आ गए, पता नहीं क्यों ऐसा फील मुझे होता है। और बेटा भी कहता है मम्मा डैडी घर में ही हैं, कहीं नहीं गए हैं, बस हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं, डैडी घर में ही हैं। तो सही, मेरे बिना तो वो अभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि हमारा ऐसा रिश्ता था कि मतलब बहुत हस्बैंड वाइफ में होते हैं कि बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। बस एक ही गलती की वजह से मेरे कभी कभी उनसे झगड़ा हो जाती थी, और नहीं तो किसी चीज़ के लिए नहीं, कि मतलब पैसे के लिए हो रहा है, अब मेरा खर्च नहीं पूरा हो रहा है उसके वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे अंदर, और नहीं तो मेरे हस्बैंड के अंदर था, बहुत अच्छे थे। वही है ना, अच्छे लोग को भगवान भी मतलब ज़्यादा पसंद करता है, जिसे ज़्यादा लोग पसंद करता है ना उसे भगवान भी पसंद करता है। तो वही मुझे लगता है मेरे हस्बैंड को जैसे लोग बार ज़्यादा पसंद करते थे हर जगह पे, तो भगवान भी पसंद कर लिया। क्या कहूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उनके बिना तो मेरा एक पल भी काटना बहुत मुश्किल है, पर 2 बच्चे के लिए मैं काटती हूँ, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उनके लिए मैं काटती हूँ, क्या करूँ। नहीं तो मतलब वो बिना हस्बैंड का एक लेडी जिंदा लाश रहती है, वही जिंदा लाश मैं हूँ।
मैं जब से शादी करके आई थी ना, बिना हसबैंड का मतलब एक पल भी नहीं काटना था। मैं थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाऊंगी ना, तुरंत कॉल करेंगे, श्वेता तुम कहाँ हो, श्वेता तुम कहाँ हो। मैं बोलती थी मैं छोटी बच्ची हूँ कि खो जाऊंगी, आप ऐसे करते हो, पर पता नहीं मेरे बिना नहीं रहते थे वो, और कैसे मुझे छोड़कर चले गए कुछ भी नहीं पता। एक बार तो विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा कुछ हुआ है, बट मैं जब सोचती हूँ कि अब वो नहीं रहे तो बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ अंदर से। ऐसे लगता है कि भगवान तूने क्या किया, अपनी बेटी के लिए कितने सपने सजाए थे गाइज, बहुत सपने सजाए थे। मैं अपनी बेटी को ऐसे करूँगा, इसको ऐसे बनाऊँगा, इसका शादी ऐसे करूँगा, पर सब सपने ही सपने रह गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। शादी तो बहुत दूर की बात है, अभी मेरा बेटा बेटी पढ़ाई मतलब स्टार्ट ही हुआ है, उनका पढ़ाई कैसे होगा क्या होगा कुछ नहीं जानती हूँ मैं, और ना ही कोई सपोर्ट करने वाला है। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई सपोर्ट करेगा पढ़ाई लिखाई में, अब देखो क्या होता है, वो तो वक्त बताएगा, जब स्कूल खुलेगी तो बताएगा वक्त। बट मैं तो कोशिश करूँगी इनके लिए, मैं जब तक जिंदा हूँ जब तक इन लोग को कष्ट देने का कोशिश नहीं करूँगी। मुझे लोग कहते हैं हिम्मत रखो, माँ बाप दोनों तुम ही हो, तो रियली मैं उनके लिए तो अब मैं ही दोनों हूँ। ठीक है भगवान तो इन लोग को बहुत ज़्यादा कष्ट दे दिया, बट मैं अपने तरीके से नहीं दूंगी उन लोग को कष्ट। मैं जिंदा हूँ जब तक करूँगी उन लोग को, और मेरे सर में खुजली इसलिए हो रही है कि जू पड़ गई है सर में, कंघी वगैरह नहीं करती हूँ ना तो जू पड़ गई है सर में, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हूँ, बहुत ज़्यादा। सर का तो पेन हटता ही नहीं है आरआईज का, और जैसे आप लोग से बातें कर लेती हूँ तो थोड़ा मूड भी मेरा फ्रेश लगता है, और नहीं तो मेरे से कोई बात भी करने वाला नहीं है, मैं अकेले लेटी रहती हूँ, लेटी रहती हूँ, यही सब बात सोचती हूँ। और देख सकते हो यहाँ पे नोटबुक रखी हूँ, इसी नोटबुक पे कुछ लिखते रहती हूँ, टाइम पास करती हूँ, कभी फेसबुक चलाऊँगी कभी व्हाट्सएप, बट कितना टाइम तक मैं ये सब कर सकती हूँ, कितना चलाऊँगी, कितना उससे टाइम पास हो सकता है। मुझे यही दर्द होता है कि आप मुझे इतना प्यार क्यों किए थे, अगर आपको नहीं रहना था तो मुझसे इतना प्यार नहीं करते। बस आपके प्यार के यादों में मैं अपना ज़िंदगी काटूंगी, और मैं अपने हस्बैंड को प्यार से पाहुन बुलाती थी, पाहुन इसलिए बुलाती थी ना, ये एक मेरी मामी थी, तो जब शादी हुई थी ना मेरी उस टाइम वो कॉल की थी तो बोली थी पाहुन कहाँ हथुन, तो उस टाइम से मैं उनको पाहुन 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 करते मतलब लैंग्वेज ही मेरा हो गया था कि पाहुन आप कहाँ हो, पाहुन ए कर दो, पाहुन ओ कर दो, तो मैं उनको पाहुन ही बोलती थी, और उनके घर में लोग बउआ कहता था तो कभी कभी बउआ मैं बोलती थी, बहुत कम ही बोलती थी बउआ बट ज़्यादा पाहुन, तो ये सब बट मेरा सब छिना गया, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। बस यही लगता है कि मैं पागल ना हूँ, बस बाकी ठीक हो, जो कष्ट हुआ सो हुआ, भगवान मुझे पागल मत कर देना, अगर मैं पागल हो जाऊंगी ना तो दोनों बच्चे मेरे बेनाथ हो जाएंगे, उनको केयर करने वाला कोई भी नहीं रहेगा, तो यही सब सोचते रहती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ मैं कि कैसे इनको क्या होगा, क्या लाइफ थी, क्या कर दिया तूने भगवान, क्या मेरे बच्चा ने बिगाड़ा था, इतने छोटे बच्चे क्या कष्ट। अरे मेरे बारे में नहीं सोचता, कोई बात नहीं, लेकिन इन बच्चों के बारे में सोच लेता कि ये तो इतने छोटे छोटे हैं, आज उनके दो बातें याद भी इन लोग को है, कल के डेट में वो बातें भी याद नहीं रहेगी कि हमारे डैडी हमसे कैसे प्यार किए थे, क्या किए थे, औरों को डैडी को देख के टूटेगा मेरा बच्चा, सबके डैडी हैं हमारे डैडी नहीं हैं, तो भगवान एक बार तुम जरूर रहम कर लेता, मेरे लिए नहीं किया कोई बात नहीं, मेरे बच्चे के लिए कर देता भगवान तूने।
बट नहीं किया भगवान, भगवान नहीं सुनता है, अच्छे लोगों की बातें नहीं सुनता है वो। जितने आज के डेट में बुरे लोग हैं ना, उसी का बात भगवान सुनता है। तो गाइज मेरी बातें तो रियली नहीं ख़त्म होएगी, कभी भी नहीं। उनकी इतनी सारी बातें हैं, ये 10 साल में इतनी सारी यादें हैं कि कैसे ख़त्म हो सकती है। पर ब्लॉग वीडियो हो जाएगी लंबी, आप लोग भी हो जाओगे बोर। चलो बाय।